विद्युत विभाग की लापरवाही का आलम उस वक्त देखने को मिला जब विद्युत विभाग के अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद खस्ता हाल तार बदस्तूर खेतों पर होकर गुजरते रहे, जिसकी वजह से किसान अपनी खड़ी फसल को डर के मारे काटने पर मजबूर है। यह है बिजनौर का मंडावली इलाका, जहां पर पिछले काफी समय से हाईटेंशन तार जर्जर अवस्था में खेतों से होकर गुजर रहे हैं। विद्युत लाइनें गन्ने की ईक से टच होकर जा रही है, जिसे लेकर कई किसान अपनी खड़ी फसल को काटते हुए भी डर रहे हैं कि कहीं तारों में करंट से कोई हादसा न हो जाए। हालांकि इलाके के लोगों के मुताबिक विद्युत विभाग से कई बार तारों को बदलवाने की शिकायत की गई है, लेकिन इनके ऊपर जू तक नहीं रेंग रही। इससे साफ जाहिर है कि इतना सब कुछ होते हुए भी शायद बिजली विभाग किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। नाम मजहर इस्लाम, हमारी ज़मीन अब्दुल्लापुर मौजा मंडावली में है और वहाँ 11,000 की लाइन खेत को क्रॉस कर रही है और बहुत नीचे तार लटक रहे हैं, ज़मीन से 2-4 फीट ऊपर हैं, जिसकी वजह से गन्ना नहीं काट पा रहे हैं। उससे पहले कई बार गन्ना भी जला है और लिखित में भी कंप्लेन कर रखी है बिजली विद्युत विभाग में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई आया नहीं चेक करने? कोई नहीं आया। और शिकायत करी बिजली विभाग में, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। लैंड मैनेजर से भी गया, जय साहब से भी गया, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो पाई उनसे। इससे तो फसल वसल को भी नुकसान होता है। हाँ, फसल को भी नुकसान है। और रास्ता है आने जाने में, कोई टच कर दे तो क्या दिखे, उससे दिक्कत नहीं होने की? कोई सुनने को तैयार नहीं? कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। अभी हमारे 12 फेज पे 2 फेज में लाइट आ रही, 3रे में नहीं आ रही। 11,000 की फॉल्ट है, कोई मतलब सुनने के लिए तैयार नहीं है। इतने भी पैसे मांगते हैं बस।